हेलो व्यूवर्स, सो आज के हम इस सेशन में बात करेंगे शेल प्रोग्रामिंग इन जस्ट 5 मिनट्स। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा शेल प्रोग्रामिंग पे। तो शेल प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं आप स्टार्ट लिनक्स यूनिक्स के अंदर, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि शेल प्रोग्रामिंग आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यूबंटू या जो भी लाइनेक्स आपने वर्जन डाला हुआ है, आप उसको टर्न ऑन करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके वहाँ पर ओपन टर्मिनल का ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद आपको उस पर राइट क्लिक करके क्लिक ऑन कर देना है, क्लिक ऑन ओपन टर्मिनल। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, आप देख रहे होंगे यूनिक्स प्रॉम्प्ट है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमें ये रूट दिखाई दे रहा है, जो हमारा मेन रूट है, रेड एट एट द रेट रेड एट एच पी, जो भी हमारा नंबर यहाँ पर सिस्टम नंबर चल रहा है। तो ये हमारा मेन इंटरफेस है जहाँ से हम शेल प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे 5 to 6 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको शेल प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, जहाँ पे हम बेसिक शेल प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर वन है। तो स्टेप नंबर वन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे तो आपको लिखना है नैनो स्पेस ए डॉट एस एच। अब नैनो ए डॉट एस एच का मतलब क्या है, नैनो मीन्स यहाँ पर आप यू आर क्रिएटिंग अ फाइल, तो आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं और वो नई फाइल का नाम है ए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए नाम की मैंने यहाँ पर एक नई फाइल बनाई है, ए डॉट एस एच। एस एच इट मीन्स द शेल फाइल जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ए डॉट एस एच फाइल के अंदर वी विल डू सम प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो ये हमारा पहला स्टेप है, तो आपको लिखना है नैनो स्पेस ए डॉट एस एच। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये होगा कि जब आप ए डॉट एस एच करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे शेल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रखा है, शेल एडिटर, इसको हम शेल एडिटर बोल रहे हैं। इस एडिटर के अंदर ही आपको जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी आप प्रोग्राम बनाना चाहें, चाहे वो एडिशन ऑफ टू नंबर है या प्राइम नंबर्स है या फिर फिबोनाची सीरीज, एंड देर आर मैनी मोर ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम बताऊँगा, दैट इज़ इवन एंड ऑड नंबर्स। तो ये हमारा एडिटर ओपन हो चुका है स्टेप नंबर टू के साथ। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या है, अब आप यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक इवन और ऑड नंबर्स यहाँ पर सर्च करने का एक प्रोग्राम है, छोटा सा 4 लाइन का। तो मैं आपको ये प्रोग्राम भी समझा देता हूँ, इस प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इको कमांड। तो ये शेल प्रोग्रामिंग के कुछ टर्म्स हैं जो हमें इसको लर्न करने पड़ेंगे। इको कमांड के थ्रू वी आर प्रिंटिंग अ सिंगल नंबर, नंबर इट मीन्स यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इको। तो यहाँ पर एंटर नंबर एक स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रीड एन, इट मीन्स कि हम वी आर टेकिंग अ सिंगल वेरिएबल, एन नाम से हमने एक वेरिएबल लिया है। अब उसके अंदर हमें वैल्यू भी स्टोर करनी है विद द हेल्प ऑफ द डॉलर साइन। तो आप ये देखेंगे डॉलर साइन जो है और एन ये एसोसिएट है, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइल स्टोर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है, हमारा आर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉलर एन डिवाइडेड परसेंटाइल 2, इट मीन्स ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ये शो कर रहा है कि हमें जो भी नंबर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, सपोज 0 से स्टार्ट होता है तो 0 डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके अकॉर्डिंगली वो जो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा। अब इसके बाद इफ़ कंडीशन लग गई है, इफ़ एल्स कंडीशन, जैसा कि आपने सी सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप करते आए हैं इफ़ एल्स कंडीशन। तो इफ़ में हम यहाँ पर डॉलर आर प्रिंट कराना चाहते हैं, बट वो इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के। अगर वो 0 के इक्वल्स टू है तब यहाँ पर प्रिंट होगा डॉलर साइन एन इज़ इवन नंबर। तो जैसा कि आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट पता है कि जब ऑड नंबर हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, और जब हम इवन की बात करेंगे तो इवन में है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, वट एवर जो भी नंबर आप आगे तक लगाना चाहें। तो आप देख लेंगे यहाँ पर कि जब हमारा 0 से डिवाइड या 0 के इक्वल है तो वो नंबर इवन बता देगा, इट मीन 0 इज़ योर इवन नंबर। और जब हम बात कर रहे हैं ऑड की तो वो ऑड में डिवाइड होके वो 1, 3, 5, 7 तो वो ऑड नंबर बताएगा। लास्ट में एफ आई है तो एफ आई की जगह हम यहाँ पर ये इफ़ एल्स कंडीशन जैसे लगती हैं, तो शेल इंटरफेस के अंदर हम इसको एफ आई लिख देते हैं, इफ एल्स इफ, जैसे कि कंडीशन हमारी चलती है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है। अब आपको क्या करना है, ये स्टेप नंबर थर्ड जब आप पूरा कंप्लीट प्रोग्राम आप बना लेंगे, तो बनाने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फोर के अंदर आपको सिंपली यहाँ पर करना है प्रेस कंट्रोल प्लस ओ टू सेव फाइल। तो जब आप ये पूरा प्रोग्राम बना लेंगे तो आपको फिर क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस ओ,
जैसे ही आप कंट्रोल ओ करेंगे तो आप नीचे देखेंगे एग्जिट ऑप्शन हमारा इनेबल हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर मुझे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो आप देखेंगे पहले मैंने कंट्रोल प्लस ओ किया टू सेव आवर फाइल। इट मींस उसके बाद क्या हो रहा है, हमारी फाइल सेव होने के बाद मुझे एंटर करना है। एंटर करने के बाद एट द एंड मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एक्स के साथ मैं इस एडिटर के थ्रू, इट्स एडिटर से मैं बाहर आऊँगा विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। कंट्रोल प्लस एक्स के साथ मैं इस करंट एडिटर के बाहर आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं उस एडिटर से बाहर आ चुका हूँ। मैं अपने दोबारा से कमांड पे हूँ, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अब आपको क्या करना है, पहले आपने नैनो स्पेस ए डॉट एस एच किया था जिसके थ्रू आप फाइल क्रिएट कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है, यानी कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे एस एच स्पेस ए डॉट एस एच। ए डॉट एस एच आपकी फाइल है, शेल फाइल जिसके थ्रू आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं। और एस एच मीन्स यहाँ पर शेल इंटरफेस है, यानी कि उस जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, ये हमारा एग्जीक्यूटेबल कमांड है जिसके थ्रू हम अपना प्रोग्राम रन कराएंगे। तो जैसे ही मैंने एस एच स्पेस ए डॉट एस एच किया तो यहाँ पर इसने एंटर नंबर पूछा, जो भी मैं नंबर यहाँ पर डालूंगा। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा था ई को, सबसे पहली लाइन थी मेरी ई को एंटर नंबर, तो ये एंटर नंबर ऑटोमेटिक प्रिंट होके आया। अब मैं यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ तो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जैसे ही मैंने वन डाला तो यहाँ पर ये बताया सिस्टम ने, वन इज़ ऑड नंबर। फिर मैंने दोबारा से एस एच स्पेस ए डॉट एस एच किया, फिर एंटर नंबर ये पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर टू डालूंगा तो टू इसने क्या बताया, टू इज़ योर इवन नंबर। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को इस यहाँ पर एडिटर के थ्रू हम अपने रन करा सकते हैं। तो ये हमारी शेल प्रोग्रामिंग है। सो आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा शेल प्रोग्रामिंग पे। अगर कोई भी कमेंट है, आप कुछ भी क्वेरीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।